अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीदें खैर वाफियत से होंगे हमारी दुआओं से। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। आ जाएं जी, आप कुछ क्लिप्स दिखाते हैं इफ्तारी और सहरियों के पाकिस्तान की, यानी टोटे। तो साथ रहिएगा जी, टोटे कहते हैं ना क्लिप्स को। हाँ, छोटे छोटे से काम जब बच्चे कर रहे हो तो बड़ों ने ज़रूर अपना हाथ लगाना होता है हेल्प के लिए उनकी। दरअसल तो ये जी चिकन और आलू के जो बने थे, सैंडविच बनने जा रहे हैं, कबाब, उसकी तैयारी हो रही है और हेल्प भी की जा रही है। ये सब बिखरा पड़ा हुआ है, जो जो इफ्तारियाँ होनी है, हर तरफ काम ही काम हो रहा है। ये टेबल पे डंप कर देते हैं जो जो चीज़ें बनने वाली हैं, और फिर सफाइयाँ भी होती हैं और सब कुछ होता है। तो देखिए, आप इंजॉय करेंगे ये टोटे मेरे। हाँ जी, ये सेकंड पार्टिसिपेंट हमारे जी खंसा जी, दुल्हन रानी, क्या बन आलू रहा के है? पकोड़े हैं आलू के इसका, ये पकोड़े, मिक्सचर है, और ये पकोड़े मिक्स वाले प्याज जो पकोड़े, मिक्स ठीक वाले है। और पकोड़े, ये और ये बैंगन भी आपने बैंगन के रखे हुए पकोड़े हैं, और आप इनको जब फ्राई करोगे तो जी। फिर देखते हैं आप कैसे आप फ्राई होते हैं आपका ये पकोड़े। कड़ाही में दुल्हनिया के, दुल्हन दुल्हनिया के नहीं, बेसन के। अच्छा, आप मिक्स वाले बना रहे हो ना पहले? ठीक है, जा रहे हैं पकोड़े कड़ाही में। और ये देखें जी, हमेशा की तरह गैस जो है धोखा दे देती है सहरी और इफ्तारी में भी, और फिर नीचे आना पड़ता है सिलेंडर जलाने, जला के काम करना पड़ता है। सर जी, ये देख रहे हो आप, ये पहचानो जरा कौन है? काम पे लगा दिया, बड़ी उम्मीद है, पकोड़े बनाने पे लगाया हुआ है। रोटियां भी बनवाई हैं सर जी मैंने, ना आओ हाँ तुम आ जाते तो अच्छा था ना अफ्तारी करने दोबारा से। खंसा के हाथ पे पकौड़े खाने हैं तो आ जाओ अभी भी। खंसा मुश्किल हो रही है ना नीचे बैठ के, आप बैंगन के कर रहे हो? चलो थोड़े से रह गए हैं जी। यहाँ तो पेड़े भी हो गए तकरीबन तकरीबन। आज हमारे मास्टर शेफ आए हैं ताहिर शाह, और ये बन रही है सहरी। ओ जी, ये रोटी आ भी गई तवे पे, वाह जी वाह। ताई तेरी रोटी बड़ी है, कल जो बना रही थी ना गर्ल्स, हमारी कंपटीशन हो रहा था इनका, किसी की चोरस रोटी थी किसी की, लेकिन सही बनाई थी उन्होंने भी माशाल्लाह। हाँ ज़बरदस्त थी, सॉफ्ट भी। सिकाई हो रही है जी यहाँ रोटी की, सिको सिको। ये देखो जी, ये स्क्वायर वाली बनी है रोटी, आइटम देखिए ज़रा आप। सेकेंड कंपटीशन शुरू है, टू गर्ल्स का कल हुआ था, तो कहा जाए। और ये धुल रहा है चिकन, सबको ने बनाना क्या है उधर यूँ करके बता दो मुझे जल्दी जल्दी से। आलू चिकन के पैटी। अच्छा ठीक है, और फातिमा ने क्या बनाना है? बन बनाने हैं करी के साथ, और अंडे वाले पकौड़े, और साथ में साबूदाना जैली और बनाना ड्रिंक जो है। बन गए सबको के, तैयार हो गए माशाल्लाह। अब आपने इनको फ्राई करना है बस? फ्राई करना है। ठीक है चलो, जब आप फ्राई करोगे फिर छोटी सी वीडियो बना लेंगे। बट अंडा गोट किया फिर ब्रेड का, ठीक है जी। देख के ऑयल, चलो इसी तरह वन बाय वन हो जाएंगे सबको। आपका बस फाइनल फाइनल ये बन गए, मज़े के लगे डिलीशियस। और तो पहाड़ी बन गई माशाल्लाह, मज़े मज़े के। चलो हो गए डिश, ठीक है कर लिया। ये दूध कर लिया ना आपने, दूध में क्या डाला आपने? क्रीम एक पैकेट, एक पैकेट क्रीम, और 8 चम्मच 8 चम्मच चीनी शुगर, ठीक है। और अभी बनाना चलेंगे, इसमें जेली डालेंगे, स्ट्रॉबेरी और साबूदाना डालेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक यमी सा ड्रिंक बनेगा। ये आप अपने उसके लिए ड्रिंक के लिए कट कर रहे हो ना। और फातिमा, ये आपने वो अपना मिक्स करके रखा ना, कैबेज और खीरे, और ये अंडे आप वो करोगे स्लाइसेस करोगे इनके, इसमें ब्लैक पेपर डालिए, सॉल्ट डाला है, ठीक है। और फिर आप इन्हें उसमें लगा दोगे। डालूंगा। चलो फातिमा मुझे बताओ क्या कर रहे हो आप? ये तो आपका साबूदाना और क्रीम मिक्स शुगर और दूध, ठीक है। और ये साबूदाना सारा हम लेयर दे रहे हो, वो जेली है, जेली भी ऐड होगी, बनानास हैं। अच्छा ये अच्छा साइज में बन जाएगा रमजान, ठीक है, तो हेल्दी सा होता है। हाँ
बनाना नहीं डालना है क्या? वो भी डालूंगी। वाह फिर प्यारा लग रहा है ना लेयर नीचे से। अच्छा जेली डाली आपने फिर से, ठीक है। अनानास जबरदस्त ड्रिंक बन गया। अच्छा जी ये तैयार हो रहा है ड्रिंक, ग्लासेस तैयार हो रहे हैं। हाँ जी ग्लासेस तैयार। अच्छा जी ठीक है, आप करो ग्लासेस तैयार। यहाँ हमारी इफ्तारी की चीज़ें सारी। कंपटीशन बेबीज के किधर है, ये वाला है एक नमाज के बाद हो। तो सही में मासी लग रही हो, जब काम हो तो फिर ऐसे काम भी होते हैं, सफाई भी खुद ही करनी पड़ती है। सफाई वाली बार बार थोड़ी आएगी, सही है ना सफो जी। करो जी सफाइयाँ, अच्छे से साफ करना मासी, पैसे नहीं देने वाला मैंने।